हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को मैं अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो आज के सुबह का बज रहा है लगभग 7 बज गए। मैं नहा धोवा के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरा बन रहा है खाना, जो बच्चे जाएंगे स्कूल उनके लिए चाहिए। तो मेरा यहाँ पे बना है चावल, बन चुका है, दाल बन रहा है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी भुजिया, जो इसके लिए मैंने काट लिया मिर्च और प्याज। और मैं दिखाती हूँ क्या चीज़ का भुजिया मेरा, इसको आप लोग पहचानते हैं, हम लोग करेला कहते हैं इसको, करेला का भुजिया। अच्छा लगता है गाइस और यम्मी भी लगता है। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, तो हैप्पी नवरात्रि एंड नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी की। घर में माँ दुर्गा पधारे एंड अच्छे से क्या कहें, उनकी महिमा हो सब सभी पे। और मेरा यहाँ पे पूजा पाठ भी हो चुका है, हद सारे कुछ हो चुका है। और मैं बाल बोल नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा देर बाद करूँगी क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है, तो समय के साथ सब कुछ रेडी चाहिए। पहले उनके लिए भी रोटी भी बनाना है, कुछ तो बन चुका है कुछ बाकी है, मतलब दाल चावल हो गया। देखते हैं कहाँ पे छोटे बच्चे सो गए, ये भुजिया को रखते हैं क्योंकि भुजिया भी मेरा यहाँ पे चाय भी बन चुका है, हम लोग चाय पी चुके हैं। और या शायद आप लोगों को दिख रहा हो मैं भुजिया छोड़ रही हूँ। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ अजवाइन एंड जीरा का थोड़ा सा तड़का, क्योंकि कहते हैं कि अजवाइन जीरा से करेला का भुजिया बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं भी आज दे रही हूँ। प्याज मिर्च, मेरे पास कच्चा मिर्च नहीं था इसलिए मैंने सूखा हुआ जो रहता है लाल मिर्च वही डालूँ। तो अब मैं जाऊंगी दाल को तड़का देने के लिए, उसके लिए जो भी लहसुन होता है कुछ कुछ चीज़ जो उन सभी को इकट्ठा करने, क्योंकि आज मैंने सोचा धनिया और वो मणिपुरी लहसुन है वो दोनों ही तड़का देंगे, क्योंकि गाइस वो दाल का मज़ा ही अलग होता है। तो मेरा यहाँ पे रहा है सारा सूख गया, सूख गया मतलब साफ करते वक्त माँ ने नहीं देखा जिसके वजह से इसको काट दी, ध्यान पे नहीं था। तो ब्लॉग को बने रहिए मेरे पास। यहाँ पे देखिए धनिया, मेरा घर पे ही है धनिया और लहसुन का पत्ता रहा। यहाँ पे मेरा है धनिया और लहसुन, मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी क्योंकि इसमें मिट्टी आ गया है बारिश की वजह से। एक कप डाल रहा दादी, बाबा पी ले लो बड़ा। जब तक दाल बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ उसकी तड़के की तैयारी। तो बने रहिए, मैं यहाँ पे काट लेती हूँ तड़के के लिए। तो यहाँ पे मेरी बच्ची भी सो के उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए हाथों तो में क्या है, कहा भाई बाबा। अब मेरा यहाँ पे दाल तड़का के लिए भी मैंने सारा पेस्ट को जुगाड़ कर लिया, जैसे कि धनिया पत्ता जो जो होता है आप लोग क्या क्या देते हैं, लहसुन प्याज लाल मिर्च धनिया एंड जीरा, वो सब मेरा हो चुका है एक जगह इकट्ठा कर चुकी हूँ।
मिनट करके कंप्लीट कंप्लीट। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे दिखाते हैं हम करते हैं क्या। यहाँ पे हो रहा था बाबा और नातिन का प्यार, तो बाबा उनके बालों को बांध रहे थे और यह बनवा रही थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब के लिए फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।